हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्पीकर्स मुंडे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो कि PSSC ने इंटर लेवल का जो रिजल्ट है वो क्लियर कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे देखना है। 6 साल बाद यह रिजल्ट, जैसा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कहा था कि आपका रिजल्ट जो है कि 20 तारीख तक मिल जाएगा, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। जो 14 तारीख में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपने अगर अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो मैं आपको बताऊंगा कि अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। मेंस का एग्ज़ाम भी होगा अभी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जैसे मेंस का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जैसे मिलता है, आपको एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के बारे में भी बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। वहाँ से अपना नोटिस जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सूचना पट, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहाँ वहाँ पर क्लिक करते हैं या डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सूचना पट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये लेवल लिखा हुआ है, क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो है PDF डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे। ये नोटिस हाल ही में आया है 14/2/2020 को। तो विज्ञापन संख्या यह है इसकी, प्रथम इंटरस्टेट प्राथमिक प्रतियोगिता की परीक्षा 2014 की परीक्षा 6 चरणों में क्रम दिनांक 8/12/18 से 9/12/18 एवं 10/12/18 को राज्यों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई थी। ये जो परीक्षा हुई थी 6 चरणों में हुई थी। 6 साल बाद इसका रिजल्ट आया। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो आपको इसमें रोल नंबर अपना डाल के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको रिजल्ट कैसे देखना है। यहाँ पर अपना रोल नंबर सर्च कर लेना है। रोल नंबर अगर ऐसे आप देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको रोल नंबर नहीं मिल पाएगा। मैं सबसे सिंपल इस बता देता हूँ आपको कैसे सर्च करना है। यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है सर्च बार का, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपना रोल नंबर कोई भी डाल देंगे, जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ कोई, जैसे मैं डाल दिया है, ये मैंने डाल दिया है 52। जैसे मैंने रोल नंबर डाल दिया, ये वहीं पर हाईलाइट हो गया, मतलब ये कैंडिडेट पास है। तो ऐसे आप अपना रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसका मेंस का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसकी डेट आएगी अभी। जैसे उसकी डेट आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।